सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेला कैसे हूँ। सो बेसिकली मैं अकेला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं प्रीति का इंतज़ार कर रहा हूँ और 10 मिनट हो गए मुझे उसका इंतज़ार करते करते, और वो मैडम आई नहीं रही हैं। अभी आ रही हूँ, 2 मिनट, पिछले 15 मिनट से उनके 2 मिनट ख़त्म नहीं हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे एक प्लान सोचा है, मैं करने क्या वाला हूँ। मैं उसको, मेरे पास एक एप्लीकेशन है इंडी कॉल, इफ़ यू गाइज डोंट नो, मैं बताता हूँ इंडी कॉल से क्या होता है कि आप है ना किसी भी मतलब बंदे को या बंदी को फेक नंबर से कॉल कर सकते हो और उसको उससे बात कर सकते हो। हालांकि जो इसका फ्री वाला वर्जन है वो 1 मिनट के लिए होता है, बट मैंने तो पैसे खर्च कर लिए और मैं उसको फ़ोन करूँगा इंडी कॉल से, और उस पर नंबर जैसे ही पहुँचेगा, मतलब कंपनी का नंबर पहुँचेगा उस पर, एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया का नंबर पहुँचता है, तो मैं उससे बोलूँगा कि क्या कहते हैं आपको माइग्लैम से ऑफर, माइग्लैम से वो मिला है, क्या कहते हैं हैम्पर मिला है, एंड उसका बहुत अच्छे से काटने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करा है ना मैं मेरे को उसने, अब मैं भी परेशान करूँगा उसको। सो इन दी कॉल हेलो, मैम मिस प्रीति मंगल से बात हो रही है हमारी? कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, वी आर टॉकिंग फ्रॉम माई ग्लैम एंड आप सिलेक्ट हुई हैं हमारे फ्यू कुछ कस्टमर्स से में से जिसको 15,000 का माई ग्लैम का हैम्पर मिलने वाला है। सो मैम, आप ये अपने होम पे डिलीवरी करवाना चाहेंगी या फिर अपने ऑफिस या कहीं और के एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहेंगी? एक्चुअली मैम, जो आपने लास्ट ऑर्डर करा था ना, उसमें से एक लकी ड्रॉ में ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टिमाइज हो गया था और अब आप हमारे लकी ड्रॉ के कंपटीशन में जीत चुके हैं लकी ड्रॉ में। सो आपको अब फ्री मिला है। एक्चुअली आई गॉट टू प्राइजेस आल्सो, बट दैट वर ओनली 500 और 1000 रुपीस। सो आर यू सीरियस? यस यस मैम, वी आर टोटली सीरियस और दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम एंड वी आर गिविंग यू 15,000 वर्थ आवर हैम्पर। मैम, योर एड्रेस इज, यस दैट्स माय एड्रेस, करेक्ट है आपका एड्रेस? सो करेक्ट है मेरा एड्रेस? सो आर यू श्योर? ये मतलब कैसे डिलीवर होगा? लाइक मुझे इसके लिए कुछ पे वगैरह भी करना पड़ेगा पहले? तो मैं ये नहीं लेना चाहूंगी, अगर मुझे कुछ पे करना पड़ेगा तो। नहीं मैम, आपको कुछ पे नहीं करना, आपको बस यहां से कंफर्मेशन देना है एंड वी विल डिलीवर इट टू यू। नहीं, सो मेल के थ्रू कंफर्म करना है या कैसे कंफर्म करना है? फॉर एग्जांपल मुझे वो ऑर्डर कहाँ शो होगा? मेरे माइग्लैम पे शो होगा मुझे वो ऑर्डर, जैसे कि मुझे लास्ट ऑर्डर शो हुए थे, एज इट इज सेम वो शो होगा मुझे? नहीं मैम, आपको वहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, तो ये आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना, तो ये आपके किसी ऑर्डर में भी शो नहीं होगा, ये हम डायरेक्टली आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे, आपको सिर्फ अभी हाँ बोलना है। ओके, इफ आई एम सेइंग यस देन हाउ कैन आई ट्रैक माय ऑर्डर? डोंट वरी मैम, इट विल रीच इन 3 to 4 days। ओके, वो तो मुझे पता है, जस्ट बिकॉज़ मैंने मंगवाया है, सो इट टेक्स 1 week। यस मैम, सो मैम आर यू मतलब रेडी फॉर रिसीविंग द ऑर्डर और आई शुड कैंसिल? नो, आई एम रेडी, आई एम रेडी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। बस आर यू श्योर दैट आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस? यस मैम, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट यू विल रिसीव 15,000 वर्थ वाउचर। रिसीव एनी मैसेज और समथिंग फॉर कंफर्मेशन? यस मैम, यू विल रिसीव इन 24 hours। ओके मैम, बाय। अब मैं लगाता हूँ अपने नंबर से। वेट, यार प्रीति तू कहाँ है यार, मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ, फोन भी बिजी नहीं आ रहा तेरा, तेरे से लग नहीं रहा है। इतनी देर से मतलब मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, तू फोन पे बात कर रही है। क्या बताना है, जल्दी आ यार, मेरे को नहीं पता। तो वेट जब तक वो आती है नीचे, और फिर हम बाकी का प्रैंक आगे करेंगे, और एंड में एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो एंड तक देखना। बाय।
यार जी क्या क्या तरीका है इतनी लेट आने का। सॉरी, हेलो, गुस्सा मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं बहुत खुश हूँ आज। ये प्रीति देख, ये सब नहीं चलेगा। देख मैं 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, मैं तेरे को 2 मिनट लेट कराता हूँ तो तेरे को बहुत ज्यादा तेरा वो चालू हो जाता है, ड्रामे चालू हो जाते हैं। और मैं इतनी देर से वेट करा रहा हूँ तो तेरे को कुछ नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की बात थी यार, एक्चुअली ना मेरे पास एक कॉल आ गया। हम आज शूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा प्लान था ना शूट करने का। से हाय। मैं भूल ही गई यार, एक्साइटमेंट में। हेलो, वेलकम बैक टू द ऑर्डिनरी कपल। सो मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं उनको बता दूं। क्या बताना है? बता दूं क्या? कौन सी न्यूज है? मेरे पास पता है एक ना, अभी मतलब तेरे कॉल के बाद जब मैं गाड़ी चलाने की ही वाली थी, जस्ट उस टाइम मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है। और तू उससे लगी रही 15 मिनट तक और मैं बेवकूफ हूँ जैसे इंतजार कर रहा। अरे यार वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी और का होता तो मैं मना कर देती। किसका? बैंक से था? नहीं, किसका था? नहीं था, बॉस का। बात ना, बात तो सुन। देख उनका कॉल आया, उनने मेरे को पता है क्या बोला, मतलब उन्हें मतलब वो ना, मैंने अभी मैगलैम का वो मैं ऑर्डर नहीं कर रही थी, बहुत सारे मैगलैम से मैंने बोला था कि इनसे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो एक दो रिवॉर्ड्स तो मैंने खुद ऑर्डर करके लिए थे। बट उनका कॉल आया यार, वो मुझे पता है क्या बोल रहे थे? वो मुझे बोल रहे थे कि आपको ना कितने का 15,000 का, वाह यार, पता नहीं मतलब बहुत अच्छा अमाउंट का ना मेकअप मिलेगा मुझे MyGlam की कंपनी की तरफ से। और उन्होंने मुझे यार, और मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मैं पहले बहुत डाउट में थी। मैंने उनको बोला ऐसे कि ना हाउ डिड यू गेट माय नंबर और ये सब मैंने उनको सब बोला। बट फिर पता उन्होंने पता है मेरा एड्रेस मुझे ही बताया। अच्छा? हाँ, क्योंकि अब यार ये किसी कंपनी के बंदे का ही होगा ना, क्योंकि देख अगर किसी मुझे पहले लगा था फ्रॉड है, बट अगर मुझे कोई फ्रॉड कॉल करता तो वो डेफिनेटली यार वो ऐसा नहीं करता यार। कैसे करता तो? आप लोग भी सुन रहे हो ना? तो देखो गाइस, सबके सामने प्रीति के संग फ्रॉड हो गया। नहीं हुआ फ्रॉड। बैंक डिटेल्स मांगी उसने, कुछ पैसे नहीं मांगी। अरे पैसा उड़ जाएगा तेरा, तू देख। बैंक डिटेल नहीं मांगी। तेरे नंबर पे कॉल आया ना? हाँ। नंबर पे कॉल आया, तेरा पैसा उड़ जाएगा सारा। देखियो ठीक है, मैं तेरे को ट्रांसफर कर देती हूँ। क्या ट्रांसफर कर देती हूँ? पैसा। ओ भाई साहब, से ये चिल्लाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब काम की, पैसा इधर उधर सारा पैसा उड़ने वाला है तुम्हारा, आप देखना। तो मैं देखो अपने पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ ना, मेरे को डरा मत यार ऐसे। मैं बहुत खुशी खुशी आई थी यार। सच में पता क्या? अच्छा क्या बोला? अच्छा हाँ भाई, उनने ये भी बोला मुझे कि ना, उनने मेरे को मेरा एड्रेस बताया, उनने मेरे को मेरा एड्रेस और पूरा एड्रेस बताया, मेरे को मेरा नंबर बताया, ठीक है। नंबर क्यों बताएंगे, नंबर तो मेरे को बताया ना, नंबर तो तेरे नंबर पे ही कॉल आया। भाई 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 भाई, गलती से मतलब कंफर्मेशन के लिए मेरे को नंबर बताया, और उनने मुझे बोला कि मैम, मतलब वो बता रहे थे पूरा, उनको पता था मेरे बारे में कि हाँ मैम आपको रिवॉर्ड मिला है ये करने पे। एंड फिर उन्होंने क्या बोला कि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर दो तो नहीं? हाँ, ये चीज मैंने उनसे दो बार पूछी कि मुझे दो तीन बार पूछी कि मुझे कोई पे तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई पे तो नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बोला नो मैम, जस्ट आपको कंफर्मेशन आ जाएगी 24 आवर्स में। मैंने बोला कि मुझे मेल पे आएगी, तो उन्होंने बोला कि मैम आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी शायद, ये बोला था। बस आई गॉट बेटा, तेरा बैलेंस उड़ जाएगा पूरा, आप देखियो। ऐसे नहीं होता यार, बैलेंस तब उड़ता है जब वो कुछ बोलते हैं। मैं बताऊं, आजकल स्कैमर्स जो हो गए ना, बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो वो आजकल क्या करते हैं कि वो फोन कॉल पे ही फोन को हैक कर लेते हैं। तेरे को पता नहीं है कितनी तो न्यूज आती है, उसके बाद भी तुम्हारा कट गया फोन कॉल। यार वो वैसा नहीं था, स्कैमर्स की कॉल मेरे पे पहले भी आ चुकी है, स्कैमर्स ऐसे बात नहीं करते। वो तेरा कट गया, अब तेरे बैंक स्कैमर्स पता है वो पीछे पड़ जाते, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा। उसने बोला कि मैम आपको कैंसिल कराना है तो आप कैंसिल भी करा सकते हो। स्कैमर्स कभी नहीं बोलते, स्कैमर बोलते नहीं ये चाहिए नहीं आप लो, सबके साथ होता है। स्कैमर्स हमेशा यही बोलते है कि आप आपको वो आपको ना प्रोवोक करेंगे कि आप लो, बट जब वो जेन्युइन होता है तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप इफ आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो इट्स कैंसल्ड। सो गाइस अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमारे चैनल के 15,000-20,000 लोगों के सामने प्रीति के संग स्कैम हो रहा है। एक मिनट, एंड प्रीति को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा स्कैम। अच्छा शांत, अच्छा एक काम कर, मुझे एक मिनट बात करनी थी। हम लोग अभी बहुत टाइम से नहीं अपडेट दे पा रहे हैं, एंड मे बी जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है वो थोड़ा हम थोड़ा और बिजी रहे जस्ट बिकॉज मेरे एग्जाम्स हैं। चल तू उसे कॉल लगा चल। कॉल लगाऊं किसी को नहीं जानना तू बेबी ये की फिर मतलब तो प्लीज गाइस कोई बात नहीं हम शॉर्ट्स भेजते रहेंगे, शॉर्ट्स डालते रहेंगे। हां हम शॉर्ट्स भेजते रहेंगे, अच्छे-अच्छे शॉर्ट्स। चल कॉल लगा उसको, कॉल लगा। ये तो पोलैंड का नंबर है।
क्या हुआ, लगा पोलैंड का नंबर है, कहां से इस पे कॉल कैसे जाएगा तेरा? वो बेटा स्कैमर्स जो होते हैं ना आजकल बड़े एडवांस हो गए हैं, तू देख अब तेरा पैसा ऐसे उड़ता है। ऐसे नहीं उड़ेगा, तू देख लियो। मैं देखो भेज दूँ? मेरे को क्यों भेजेगी, मेरे को क्यों भेजेगी यार, अब तू अपना पैसा अपने आप एटीएम जाओ निकालो पैसे। मैं देखो अपना एटीएम बेटा, तू देख लियो अब गए सारे पैसे। एड्रेस पता था ना उनको तेरा? ऑब्वियसली जब तेरे को उनका नंबर मिल गया तो नंबर से एड्रेस ढूंढना कितनी बड़ी बात है। एक बात बता, आज के जमाने में जब नंबर ढूंढना बहुत छोटी बात रह गई है तो एड्रेस पता करना कितनी बड़ी बात होगी। दो मिनट में कुछ भी कर लेता आदमी यार। हम कल शूट कर रहे हैं, मेरे को स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस। सच में बोल, मेरे को डर लग रहा है यार। तू यार मेरी खुशी को मार दिया तूने। मैंने कौन सी खुशी को मार दिया? वरना मैं तुझे कट कर दूंगी, मैं तुझे कट कर दूंगी, मैं तुझे कट कर दूंगी। गए पैसे, गए गए सारे पैसे। मुझे सच में स्ट्रेस हो रहा है। अब एक बात बता, तेरे को नया फोन लेना है तो तेरे पैसे तो बचेंगे नहीं, तो तू आएगी किसके पास? मेरे पास। मैं तुझे एक ही चीज दे सकता हूँ अभी। क्या? कटोरा। कटोरा दूंगा मस्त। बेइज्जती मत कर, एटलीस्ट व्लॉग बंद कर दे। गाइस अगले व्लॉग में प्रीति नहीं होगी क्योंकि प्रीति कंगाल हो चुकी होगी, प्रीति पैसा जमा कर रही होगी। ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में। अच्छा एक और ट्राई करो, हो सकता है लग जाए। बेचारी कितने का वाउचर था? 1500, 15000 ऐसे कुछ बोला था ध्यान। 1500 नहीं, कुछ दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम माय ग्लैम पे ऑर्डर करके भी स्कैम के शिकार हो गए। मैं बहुत खुश हो गई थी यार, तुझे पता है मेरा मेकअप से एडिक्शन। मेकअप से क्या है तेरा? एडिक्शन। क्या है तेरा मेकअप से? एडिक्शन। ये भी मुझे मेकअप गिफ्ट नहीं करता है। एक बार किया था इसने केवीटी का, उसके बाद नहीं किया था। अच्छा मैं बताऊंगा ना कि मैंने क्या क्या गिफ्ट करा है तो मेरे घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। और तेरे घर वाले तेरे को बोलेंगे इतना पैसा उड़ाना है तो उड़ाओ एक दूसरे पे। अच्छा देख किसका कॉल है, किसका कॉल है, किसका? उसी का कंपनी का कॉल है। उठा उठा उठा, क्या बोल रहा है? देख देख, सुन सुन सुन। हेलो हेलो, आवाज रिपीट क्यों आ रही है? एक उधर थोड़ा आगे जाके बात कर, हो सकता है सही, वो नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा हाँ मैम, आपका हैम्पर पहुंच गया क्या आपके पास? नहीं पहुंचा, चलो कोई नहीं। ये तूने कैसे किया? और ये नंबर पोलैंड का कैसे लिखा हुआ आ रहा था? क्योंकि हम पोलैंड के वासी हैं, हमारे पास हर जगह के नंबर हैं। सच्ची बता, ये नंबर कैसे आ रहा था यार? कितनी देर वेट कराया तूने मेरे को ये बता। 5 मिनट, 50 मिनट वेट करवाया इसने मेरे को। 50 मिनट देर बहुत होते हैं। ज़्यादा झूठ भी नहीं बोल। तूने पूरे 50 मिनट वेट कराया, ये उसका बदला था। अगली बार से मेरे को वेट कराया ना तो और पागल बनाऊंगा। ऐसे बोलूंगा मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। अब क्यों बनूंगी, अब समझ में आ गया मुझे। समझ में नहीं, ट्रिक लेके आ गया। नंबर कैसे लेके यार, मैं सच में सच बन गई थी यार, सच में सच बन गई थी, झूठ बन गई थी। क्या मतलब है सच में सच का, क्या मतलब होता है यार? मुझे सच्ची में लगा था ना कि मुझे मिल रहा है, ऐसा कभी मुझे मिला नहीं कभी। कितने सारे गिफ्ट करे आज तक, लग नहीं चला मेरा। कितना प्यार करती हूँ मैं ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे मेकअप से। यार वर्ड्स पे मत जा प्लीज, व्लॉग बंद कर दे, ऐसे बार बार मत कटवा मेरा। हर किसी की किस्मत में नहीं होते ना लकी ड्रॉस, किसी किसी की किस्मत में मैं होता हूँ। वेरी वेरी लकी ड्रॉ।
लकी ड्रा नहीं है, मुझे उससे बात नहीं करनी। अरे यार ठीक है ना, कोई बात थोड़ी ना। नहीं यार ऐसा नहीं होता यार, तुम बहुत बुरा काट लेते हो, मैं बोल नहीं रही। तो क्या हो गया है, इतना उदास होने वाली कौन सी बात है, जो तेरा था ही नहीं जो तेरा कभी था ही नहीं उसके पीछे क्या रोना। इट्स ओके, चलो चलो कुछ खाएगी, क्या खाएगी? ब्राउन। अच्छा ये तो देख, ये क्या है, क्या है? तुम्हारे पास कहाँ से आया? लेके आया हूँ मैं। कहाँ से? ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था मैंने, देखा मैं इतना जालिम नहीं हूँ, ये जो मुझे लोग जालिम समझ रहे थे ना। थैंक यू, पर मुझे नहीं पता था कि तू मेकअप भी लाएगा, मुझे लगा तू सिर्फ चूतिया बना, तू सिर्फ बना रहा है मुझे। सच में माइंड लैम की लिपस्टिक लाया ये बंदा, सच में, मतलब ये माइंड लैम का नहीं है, ये भी माइक लैम का नहीं है, बट ये भी माइक लैम का नहीं है, शुगर का है, बट ये लाए ये माइक लैम का। बट मेरे को इनकी ना मैट वाली लिपस्टिक अच्छी लगती है, तो कौन सा लिपस्टिक क्या है? तू बाड़ में जा, तू मैं वापस कर, सॉरी सॉरी, मतलब इनकी सिर्फ मैट वाली अच्छी थी, मैट वाली लग रही। नाइस शेड दिस, नॉट बैड नॉट बैड, मेरे को भी लगा नॉट ओके। इनको दिख रहा है कि नहीं? मुझे क्या मालूम, हाँ दिख रहा है इनको, ऐसे नहीं लगती लिपस्टिक, ऐसे नहीं लगती, सिंगल लोग लगाते हैं ऐसे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। व्लॉग के लिए देर हो जाएगी, तो कमेंट में ये मत बोलना कबाई 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 की, आ जाएगी बहुत जल्दी आ जाएगी, तब तक आप हमारे शॉर्ट्स देखते रहना।